दिल्ली की बहुत ही मशहूर चिकन चंगेजी की रेसिपी बनाते हैं। कोरमे जैसी रेसिपी है, बिना बादाम, काजू या खशखश के हम ये गाढ़ी सी ग्रेवी बनाकर रेडी करेंगे। चिकन चंगेजी की रेसिपी मैं बना रही हूँ 1.5 किलो चिकन के साथ। चिकन को पहले मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए लेंगे 2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 कप फेटा हुआ दही लेते हैं, 1 चम्मच डालेंगे जीरे का पाउडर, 1 चम्मच है गरम मसाले का पाउडर, 2 चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच है तीखी वाली लाल मिर्चों का पाउडर, नमक इसमें 1 चम्मच डाल लेते हैं और 1 नींबू का रस इसमें निचोड़ लेंगे। चिकन में मैं कलर नहीं डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्चों के पाउडर से अच्छा सा कलर आ जाएगा। चिकन को सारे मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं, ढक देंगे इसे और इसे मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं 1 घंटे के लिए। चिकन मैरिनेट हो जाए इसके बाद हमें इसे पकाना है, तो पैन में डाल लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। चिकन के पीसेस यहाँ पर रख लेते हैं, फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर चिकन को हमें पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पर पकाने से चिकन का सारा पानी सूखता जाएगा और अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर भी आ जाएगा। तो एक तरफ अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए इसके बाद हम चिकन को पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे हाई फ्लेम पर पका लेते हैं अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक। इस तरह से सारे चिकन के पीसेस हम फ्राई कर लेंगे। इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, इसे साइड में रखते हैं। अब चिकन चंगेजी की ग्रेवी के लिए हमें मसाला बनाना है। इसके लिए लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल में ये सारे खड़े मसाले डाल लेंगे। मसाले डालने के बाद इसे करीब 1/2 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। अब प्याज इसमें डालना है, तो 5 मीडियम साइज की प्याज है जिसे मैंने मोटा मोटा स्लाइस कर लिया है। प्याज डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। प्याज नरम मुलायम हो जाए और एकदम गुलाबी कलर की हो जाए इसके बाद हमें इसमें टमाटर डालना है। तो 2 मीडियम साइज का टमाटर मैं मोटा स्लाइस करके डाल रही हूँ। टमाटर डालने के बाद इस मसाले को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। मसाला ठंडा हो जाए फिर हमें इसे निकाल लेना है ग्राइंडिंग जार में। बिना पानी ऐड किए ये अच्छी तरह से पिस जाएगा, तो इसे ग्राइंड कर लेंगे और मसाले को रेडी रखते हैं। अब चिकन चंगेजी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1/4 कप तेल और 3 बड़े चम्मच बटर ले लेते हैं। बटर को मेल्ट हो जाने देंगे, फिर इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को चला लेते हैं और करीब 30 से 40 सेकंड के लिए इसे चलाते हुए पकाते हैं ताकि इसका कच्चापन चला जाए। फिर इसमें हमें डालना है पाउडर मसाले। तो 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं जीरे का पाउडर, 2 चम्मच है धनिया का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्चों का पाउडर और 1 चम्मच डाल लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ ताकि बिना जले मसालों की भुनाई अच्छी तरह से हो जाए। तो चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर मसाले की भुनाई कर लेते हैं। अब जो टमाटर प्याज का पेस्ट हमने मसालों के साथ बनाया है ये सारा इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी भी मैं इसमें डाल रही हूँ ग्राइंडिंग जार को धोकर, करीब 1/4 कप। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और चलाते हुए इसे हमें भूनना है हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए। मसालों की जितनी अच्छी तरह से भुनाई होगी उतनी ही जायकेदार चिकन चंगेजी की ग्रेवी बनकर रेडी होगी। तो मसाला भुन जाए इसके बाद हम फ्लेम को लो कर लेंगे और 1/2 कप दही इसमें ऐड कर लेते हैं अच्छी तरह से फेटा हुआ। लो फ्लेम पर दही को मिक्स कर लेना है सारी चीजों के साथ और फिर हमें इसमें डाल देना है फ्राई किया हुआ चिकन। चिकन के साथ ही इसमें ऐड कर लेना है 1/2 कप फ्रेश क्रीम, 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी डाल लेंगे और ग्रेवी के हिसाब का नमक ऐड कर लेते हैं। चिकन को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। चिकन चंगेजी की ग्रेवी थोड़ी हम गाढ़ी बनाएंगे इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, करीब 1 कप। तो पानी डालने के बाद सारी चीज़ों को मिक्स करना है और ढक्कन लगाकर हम चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देते हैं। चिकन अच्छी तरह से मसालों के साथ पककर सॉफ्ट हो जाए इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। 4 हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने बीच से स्लिट करके डाल लिया है। 1 इंच के अदरक के टुकड़े को पतले लंबे पीसेस में काट कर डाल देंगे। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते डाल लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पर और फिर हम फ्लेम बंद कर देते हैं। चिकन चंगेजी की मसालेदार गाढ़ी सी ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है।
इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए जलता हुआ कोयला डालकर इस पे घी या तेल डाल देंगे, ढक देंगे इसे और 10 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं। ढक्कन हटाने के बाद कोयला हटा देंगे। चिकन चंगेजी की गाढ़ी मलाईदार ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है। खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार ग्रेवी बनती है। रोटी पराठा नान या चावलों के साथ ये मजेदार चिकन चंगेजी को आप सर्व कर लीजिए।